हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशु स्मूथ खान। दोस्तों, जैसे कि बॉलीवुड के टॉप एक्टरों में एक नाम आता है अपने खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का, वो बात अलग है कि पिछले दो सालों से उनकी कई फिल्में जो आई हैं बैक टू बैक लगातार फ्लॉप हो गई हैं। बहरहाल, अक्षय कुमार फिर से रेडी हैं एक नई मूवी के साथ, जिसका एक अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज कर दिया गया है और वो फिल्म का नाम है सेल्फी। जी हाँ, ये फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होगी और इसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो राज मेहता कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राज मेहता के साथ अक्षय कुमार की पहली फिल्म आ चुकी है जिसका नाम था गुड न्यूज। उसके अंदर हमको अक्षय कुमार के साथ साथ करीना कपूर भी जबरदस्त अवतार में देखने को मिली थी और एक नई टॉपिक पे फिल्म थी जिसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। तो उसी के डायरेक्टर एंड अक्षय कुमार का फिर से वापसी हो रही है और साथ साथ इसमें दिखाई देंगे हमको इमरान हाशमी। देखो, इमरान हाशमी की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है, उनके भी फैंस जबरदस्त हैं जो उनको वेट होता है कि इमरान हाशमी कौन सी फिल्में आएंगी। स्पेशली जो है इमरान हाशमी की फिल्म में गाने जो होते हैं ना वो जबरदस्त होते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग इससे जबरदस्त हो गई है क्योंकि उनकी फिल्मों गाने पॉपुलर होते ही होते हैं 100%। बहरहाल, अक्षय कुमार इमरान हाशमी फर्स्ट चांस हमको देखने को मिलेंगे फिल्म सेल्फी में। इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो दिखाई गया है जिसमें लिखा गया है कि सुपर स्टार के पीछे फैन। अब इसकी कहानी कुछ इसी तरीके से है, अक्षय कुमार सुपरस्टार होंगे, उसके जो फैन बने होंगे वो इमरान हाशमी होंगे। बट देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि इसके अंदर नुसरत भरूचा एंड डायना पेंटी भी इनके अपोजिट नजर आएंगे। देखो, ये फिल्म से अक्षय कुमार काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जिस हिसाब से अक्षय कुमार का पिछले साल जो फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं, स्पेशली उनकी वो फिल्म जिससे उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी पृथ्वीराज, वो बहुत बुरी तरीके से डिजास्टर हो गई। उसके बाद उनकी जो मेन फिल्म थी राम सेतु, वो भी बहुत बुरी तरीके से डिजास्टर हो गई। तो अक्षय कुमार को बहुत उम्मीद है कि सेल्फी फिल्म जो है उनको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां को जिसे पता है कि अक्षय कुमार की अब जो सेल्फी है उसके बाद एक फिल्म उनकी और आ रही है जिसका नाम गोरखा है और फिर उसके बाद इसी साल लास्ट ईयर में हमको देखने को मिलेगी जिसका नाम है बड़े मियां छोटे मियां। तो इस साल भी अक्षय कुमार 3-4 फिल्मों में हमको नजर आएंगे, उनकी तो एक आदत है कि वो हर साल हमको 3-4 फिल्में जरूर देते हैं। तो स्टार्ट हो जाइए 24 फरवरी से, अक्षय कुमार का वापसी हो रही है फिर से थिएटर में। आप 24 तारीख को रिलीज होगी सेल्फी, उसके बाद इंतजार किए जून जुलाई में आएगी गोरखा, उसके बाद लास्ट ईयर को देखने की मिलेगी बड़े में छोटे में। बीच में एक दो फिल्मों को अनाउंसमेंट और हो जाए, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि अक्षय कुमार है। जब अक्षय कुमार की आ रहे तो अपने इमरान हाशमी कैसे पीछे रह सकते हैं, जैसा कि आपको पता है इमरान हाशमी आ रहे हैं सलमान खान के साथ भी जो दिवाली पर रिलीज होगी, जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इमरान हाशमी के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म कहलाएगी जिसमें वो सलमान खान के साथ अपोजिट नजर आएंगे टाइगर 3 में। तो फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटमेंट उस फिल्म को लेकर भी है क्योंकि टाइगर के साथ इमरान हाशमी को देखना काफी जबरदस्त माहौल होने वाला है। यार, आप सेल्फी के बारे में क्या सोचते हो, आप कितना एक्साइटेड हो सेल्फी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो आप नोटिफिकेशन मिल जाए करे बॉस। और हाँ, लाइक करना मत भूलना मेरे भाई। तो हमारे चैनल पे आप बने रहो, हर टाइप की आपको वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी जरूर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू अगेन।